बीच बीच में ले लीजिए पानी, स्टार्टर है ठीक है। इस स्टार्टर से हम लोग जो है डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं। सर तेज बोलिए, स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर, डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं ठीक है। कौन कौन डीसी मोटर था? डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट से और 4 पॉइंट से भी कर सकते हैं ठीक है। और जो कंपाउंड है स्टार्टर जो होगा, एक होगा लाइन, दूसरा होगा एक होगा लाइन, दूसरा होगा लाइन वाला जो कनेक्टेड होगा डायरेक्ट बिल्डिंग से कनेक्टेड, क्या होगा होगा, यानी कि इसको जब इसमें लगाएंगे हम लोग तो डायरेक्ट जो है इसे तेज बल्ब चलेगा ठीक है। इसको बढ़ाने पर भी उतना ही तेज चलेगा ठीक है, तो समझेंगे वो लाइन है ठीक है, वो समझेंगे किसका है लाइन का। लेकिन जब बढ़ाने पर जिस पॉइंट में धीरे धीरे कम है, जैसे या धीरे 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 कम चल रहा है, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ज्यादा जल से और लास्ट में क्या चलेगा वो आगे। ये 2 पॉइंट का काम खत्म। अब आते हैं 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में भी लाइन का कनेक्टेड हैंडल से हैंडल से कनेक्टेड होगा, उसका भी कनेक्शन ऐसे ही होगा कि हैंडल से चेक करेंगे तो वो जलेगा ठीक है। अब आर्मेचर का जिस तरह 2 पॉइंट में किए हम लोग, उसी प्रकार इसमें भी होगा कि जिससे धीरे धीरे बल्ब ज़्यादा जलेगा वो हो जाएगा आर्मेचर। और जो तीसरा पॉइंट है उससे जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे बल्ब धीमा जलेगा, शुरू में बल्ब तेज जलेगा। जैसे इसमें अगर हम लोग लगाएंगे तो बल्ब तेज जलेगा, लेकिन जैसे बढ़ाते जाएंगे वो बल्ब क्या करेगा धीमा बल्ब जलेगा, वो समझेंगे हम लोग क्या है वो ठीक है। अब अगर ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, तो देखेंगे कि हम लोग एक टर्मिनल से लास्ट वाला यहाँ इसी से देखेंगे इसको चौथा टर्मिनल कम ही बल्ब जलेगा, लेकिन लगातार उतना ही जलता रहेगा, लेकिन तेज नहीं जलेगा, क्योंकि उसके साथ रेजिस्टेंस समझेंगे वो कनेक्शन पूरा लगता है ठीक है। यस सर, सर बस सबका फोटो ले लीजिए, सर का कमाल।